चलिए डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आपका चैप्टर जिसका नाम है नाउन्स जेंडर। ठीक है, नाउन बच्चों हमने पढ़ा है। नाउन में हमने क्या पढ़ा था? नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब उसी कैटेगरी में बच्चों हम लोग आगे एक चैप्टर नया पढ़ेंगे जो है जिसका टाइटल क्या है बच्चों, नाउन जेंडर। क्या टाइटल है बच्चों इसका? नाउन जेंडर, है ना। तो सबसे पहले नाउन तो हमें पता है, हम लोग बिल्कुल वेल नोन है नाउन से कि नाउन क्या है। अब हमें आपको पहले समझना है बच्चों व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है बच्चों हमें वो समझना है। तो जेंडर समझने के लिए पहला मैंने क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या होता है, बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, तभी हम चैप्टर समझ पाएंगे। ठीक है, नाउ लुक एट द बोर्ड, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, व्हाट इज जेंडर, क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या होता है। ठीक है, अब इसका आंसर करेंगे हम लोग, है ना। पहले हमने प्रश्न पूछ लिया कि जेंडर क्या है, अब मैं आंसर कर रही हूँ, द वर्ड दैट इंडिकेट्स, द वर्ड दैट इंडिकेट्स, INDI, INDICATES, इंडिकेट्स whether, WHETER, whether a noun is a male, ये बच्चों देखिए ये वर्ड जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, अब इसका पूरे का अर्थ हम समझेंगे, हमने रीडिंग लगाई है। The word, ऐसा शब्द that indicate का मतलब होता है बच्चों दिखाना, है ना, इंडिकेट करना, दिखाना या बताना, इंडिकेट का मतलब होता है, इंडिकेट्स वेदर अ नाउन इज अ मेल और फीमेल, ऐसे शब्द जो ये बताते हैं कि दिया गया नाउन, नाउन का अर्थ क्या होता है बच्चों, नाम, यानी दिया गया वस्तु का नाम, जगह का नाम, या मान लो जे कोई एनिमल का नेम है तो जो दिया गया नाम इज अ मेल, मेल मतलब क्या होता है बच्चों, पुरुष, है ना, और फीमेल का मतलब होता है बच्चों महिला, यानी जो दिया गया नाम है ये किस वर्ग में आता है, कि ये पुरुष वर्ग में आता है या महिला वर्ग में आता है, यानी जो नाम हम जिसको बोल रहे हैं वो जो है वो हमें सुनने में कैसा लगता है बच्चों, पुरुष या बॉयज जैसा लगता है या फीमेल गर्ल जैसा लगता है, इज कॉल्ड जेंडर। यानी कुल मिला के ऐसे शब्द जो हमें ये बताते हैं कि जो हमारे पास नाम है वो महिला वर्ग में आता है या पुरुष वर्ग में आता है ना, उसे हम जेंडर कहते हैं। जेंडर को बच्चों हम हिंदी में लिंग भी कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ जेंडर पढ़ेंगे बच्चों। अब जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, एक तो हमें पता है कि एक बॉय होता है एक गर्ल होती है, दो जेंडर तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में, जो मेल जेंडर जो होता है बच्चों, है ना, जो पुरुष वर्ग होता है उसको हम कहते हैं मैस्क्यूलाइन। कैसे पढ़ेंगे बच्चों इसको, MASCU, मैस्क्यूलाइन, MASCULINE, मैस्क्यूलाइन जेंडर। क्या पढ़ेंगे इसको, एक बार वापस पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ, मैस्क्यूलाइन जेंडर। ठीक है, तो ये जो मैस्क्यूलाइन जेंडर होता है बच्चों, एक तो वो हो गया फर्स्ट काइंड, हो गया जेंडर का। ठीक है, अब अपन सेकेंड देखते हैं। जेंडर के इन टोटालिटी चार काइंड होते हैं बच्चों। सेकेंड है अपना फेमिनाइन जेंडर, FEMININE, फेमिनाइन, या मैं देखो बच्चों पता चल रहा है NINE, 9 की स्पेलिंग है और यहाँ पे फेमिनाइन, है ना, FEMI, फेमिनाइन जेंडर। सेकेंड क्या है बच्चों, फेमिनाइन जेंडर, यानी जो महिलाएं जो होती है, जो गर्ल जेंडर जो होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चों, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, अब थर्ड मेरे पास काइंड है बच्चों जेंडर का, वो है कॉमन जेंडर, COMMAN, कॉमन जेंडर, है ना, ऐसा जेंडर कि जिसको आप महिलाओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पुरुष के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बच्चों जो मैं आपको बताऊंगी कि जो महिला भी हो सकते हैं पुरुष भी हो सकते हैं, जैसे टीचर, टीचर महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ कॉमन जेंडर होते हैं बच्चों जो महिला एवं पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है NETURE, फोर्थ काइंड है अपने पास। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है बच्चों ऐसे जेंडर के जो ना तो महिला में आते हैं ना तो
पुरुष में आते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उसको मतलब ना तो किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं बच्चों, है ना, वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ना महिला वर्ग में आते हैं ना पुरुष वर्ग में आते हैं, ऐसे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैस्कुलाइन जेंडर, क्या पढ़ेंगे एक बार वापस रीड करो। यस वेरी करेक्ट, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। देखिए मैस्कुलाइन जेंडर्स आर वर्ड्स दैट रिफर्स टू मेल, मेल यानी यहाँ पे होता है बच्चों पुरुष, है ना, पुरुष वर्ग जो बताता है ना, बॉयज जो बताते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। देखो मैंने एग्जांपल भी आया है रिटन ओवर हियर, क्या लिखा है बच्चों, मैंने एग्जांपल पढ़ो आप लोग मेरे साथ, एफ ए टी एच ई आर, फादर, फादर पिता है ना, पुरुष वर्ग में आता है, फादर लिखा है बच्चों मैंने। इसी तरीके से अब अपन सेकेंड कैटेगरी देखेंगे, फेमिनाइन, किस किस को पढ़ना आ गया बच्चों, वेरी गुड, सबको आना चाहिए, एफ ई एम आई एन आई एन ई, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर्स आर द वर्ड्स दैट रिफर्स टू फीमेल, फीमेल यानी बच्चों महिला, है ना, महिला वर्ग को जो दिखाता है, यानी लेडीज का वर्ग जो दिखाता है ना, जैसे हमारी बहन हो गई, मदर हो गई, है ना, ऐसा वर्ग जो दिखाता है वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है एम ओ टी एच ई आर, मदर, मदर यानी माता, मैंने एग्जांपल लिखा है बच्चों। इसके बाद अपने पास है बच्चों कॉमन जेंडर, जो दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, ठीक है, या जो दोनों वर्ग में आता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था टीचर। कॉमन जेंडर रिफर्स टू दैट रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल, यानी जो महिला भी हो सकती है और जो पुरुष भी हो सकता है, दोनों वर्ग में आता है बच्चों जो कॉमन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल बच्चों मैंने बताया आपको क्या लिखा है, देखो पढ़ के बताओ मुझे, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, क्या लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे, डॉक्टर, जो मैं अगर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारा इलाज करते हैं ना बच्चों, यहाँ पे टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों फोर्थ कैटेगरी की, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर दैट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग्स, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ऐसे शब्द जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं बच्चों। पहले तो हम इसका अर्थ समझेंगे, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं बच्चों, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर, ऑल आर लिविंग थिंग्स, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स कहलाते, लिविंग यानी जीवित, लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो सांस नहीं लेते, जो मूवमेंट नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक बुक, बच्चों अपने साइंस में भी पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, जैसे अपनी किताब हो गई, फोन हो गया, मेरा पेन हो गया, मेरी वॉच हो गई, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, टेबल, चेयर, सब नॉन लिविंग थिंग्स है बच्चों, जो अपने आप से मूवमेंट नहीं करती और जो सांस नहीं लेती, वो सब नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। तो न्यूट्रल जेंडर रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीजें जो जीवित नहीं है, नाइदर नेदर मेल नॉर फीमेल, ना तो वो पुरुष वर्ग में आती है ना तो महिला वर्ग में आती है। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है बी डबल ओ के, बुक, बुक मतलब पुस्तक या किताब। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या क्या पढ़ा है वो वापस एक बार रिवाइंड करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ नाउन जेंडर, जिसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है, द वर्ड दैट इंडिकेट्स, इंडिकेट्स यानी दिखाना या हमें बताना, इंडिकेट्स वेदर अ नाउन, नाउन यानी नाम, इज अ मेल और फीमेल, यानी दिया गया वस्तु का नाम मेल है या फीमेल है, हमें वो जो शब्द बताते हैं वो जेंडर कहलाते हैं बच्चों। अब इनके कितने जेंडर है, काइंड्स ऑफ जेंडर, अच्छे से मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, कितने होते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर, फोर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर, यस वेरी राइट, फोर, चार होते हैं बच्चों। पहला होता है मैस्कुलाइन, है ना, मैस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड होता है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड क्या होता है बच्चों बोलिए, यस वेरी गुड, कॉमन जेंडर, उसके बाद होता है बच्चों न्यूट्रल जेंडर, है ना। ये क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं बच्चों वो मैंने समझाया, मैस्कुलाइन का है फादर, फेमिनाइन का है मदर, कॉमन जेंडर है डॉक्टर, एंड न्यूट्रल जेंडर है बुक।
ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और बहुत नीट एंड टाइटी हैंडराइटिंग में डू दिस वर्क इन योर कॉपी, ओके, सो आप इसको रिवाइज कर सके। थैंक यू वेरी मच।